हेलो बच्चों वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स वन का चैप्टर नंबर no. जिसका नाम है Statistics. Statistics कुछ नया नहीं है आपके लिए सिक्स एट फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी शायद किया होगा लेकिन आप करते आ रहे हो बचपन से तो ये चैप्टर से डर नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसमें जो भी आने वाला है उसका कोई ना कोई पार्ट आपने आगे के स्टैंडर्ड्स में किया हुआ है इस चैप्टर में अभी हम उसके एडवांस्ड कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे तो सबसे पहले आ रहा है सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं अच्छे वाले वो एक बार देख लेते हैं देखो यहाँ पे ये ग्राफ दिया है इसमें दिख रहा है ये जो ऐसे होते हैं उसको बार्स बोलते हैं ना चॉकलेट खाते हो तो मिल्की बार बार मतलब क्या ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का कुछ भी होगा उसको बार बोलते हैं तो ये दिख रहा है यहाँ पे सब रेक्टेंगल शेप का बार्स है इसलिए ये वाले फिगर को बार ग्राफ बोलते हैं ठीक है तो ये बार ग्राफ आपको स्टडी करके कुछ आंसर बताना है अब आप सोचेंगे सर इतना बार ग्राफ बनाने की क्या जरूरत है देखो बच्चों आपको इन्फॉर्मेशन टेबल में भी दी जा सकती है लेकिन टेबल में से इंफॉर्मेशन पढ़ के उसके ऊपर दिमाग लगा के प्रोसेस करके आंसर करने में ज्यादा टाइम लगता है जबकि बारग्राफ देखेंगे आप तो बारग्राफ में से आप फटाफट प्रोसेस कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं इसलिए आप अगर देखेंगे अगर अपने टीवी पे स्टॉक मार्केट का कोई चैनल देखा हो या पेपर में स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा हो तो उसमें हमेशा ग्राफ्स होते हैं जरूरी नहीं है कि ऐसा ही ग्राफ हो ऐसा ऐसा ग्राफ होता है क्रिकेट देखेंगे तब उसमें जब स्कोर बताते हैं वो कि 50 ओवर्स में कितना किया या 20 ओवर्स में कितना किया फिर दूसरी टीम का बताएंगे तो ग्राफ ऐसा एक ग्राफ होता है एक टीम का रेड कलर होगा दूसरी टीम का ग्रीन कलर का लाइन होगा और वो दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितने ओवर में किसका स्कोर ज्यादा था ठीक है तो ग्राफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपको हमेशा काम आएगा आप कॉमर्स लीजिए आर्ट्स लीजिए साइंस लीजिए ग्राफ आपको काम आने ही वाला है तो ध्यान दो अभी ये ग्राफ में क्या दिया है जवार और वीट का प्रोडक्शन दिया हुआ है ठीक है ये जो ट्राइंगल शेप वाला है वो जवार है और ये सर्कल शेप वाला जो दिख रहा है वो वीट है दिख रहा है उसमें नीचे लिखा हुआ है एंड उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं ये 2010 का प्रोडक्शन है ये 2011 का प्रोडक्शन है ये 2012 का प्रोडक्शन है वाई एक्सिस पे वन सेंटीमीटर कितना है टेन क्विंटल मतलब यहां से लेके यहां तक टेन क्विंटल क्विंटल एक यूनिट है वेट का जैसे के होता है ना के ग्राम वैसे ही क्विंटल है कितना होता है अभी आपको जरूरी नहीं है जानना लेकिन आगे अगर देंगे यूज करेंगे तो लोग बता देंगे कि एक क्विंटल कितना के होता है तो यहाँ पे क्विंटल क्या है वजन है क्वेश्चन दिया है विच क्रॉप प्रोडक्शन हैज इंक्रीज कंसिस्टेंटली इन थ्री ईयर्स कंसिस्टेंटली का मतलब क्या होता है जैसे आप हमेशा कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स लाते हैं सेवेंथ में आपको एटी एट आए हंड्रेड में से फिर एट्थ में आपको एटी नाइन आए नाइन्थ में आपको नाइन्टी वन आए तो आपके कंसिस्टेंटली देखो मार्क्स बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि सेवेंथ में आपको एटी एट आए लेकिन एट्थ में सीधा ट्वेंटी आए फिर नाइन में नाइन्टी फाइव आए तो आपका बढ़ नहीं रहा कंसिस्टेंट नहीं है इधर से बड़ा फिर कम हो गया तो उसको कंसिस्टेंट नहीं बोलते कंसिस्टेंटली मतलब एक ही दिशा में जाता हुआ तो कौन सा क्रॉप है जिसका प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली तीन साल बढ़ा तो देखो ये वीट है सर्कल वाला यहां से यहां तक देखो बढ़ रहा है ना इससे ऊंचा बार है फिर यहां पे भी क्या देखो ये उससे ऊंचा बार है मुझे जानने की जरूरत है क्या कितना है नहीं मुझे सिर्फ देखना है कंसिस्टेंटली बढ़ कौन रहा है ये कौन है ट्राइंगल ये है जवार जवार देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया लेकिन यहाँ से इधर कम हो गया दिख रहा है ये वाली हाइट इससे कम है मतलब जवार कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ा लेकिन वीट देखो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है तो हम लोग सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई वीट कंसिस्टेंटली तीन साल प्रोडक्शन बढ़ रहा है फिर पूछा है बाय हाउ मेनी क्विंटल द प्रोडक्शन ऑफ जवार हैज रिड्यूस्ड इन 2012 ट्वेल्व एज कंपेयर टू ट्वेंटी 2011 में जवाहर का प्रोडक्शन देखो 10 और 20 के एग्जैक्ट बीच में था 15 ठीक है एंड 2012 में उसका प्रोडक्शन कितना है देखो 10 के ऊपर एक दो तो 12 है ना ये वाली लाइन 10 की है उसके ऊपर दो और लाइन है ना देखो एक दो तो 12 कितना कम हुआ पहले 15 था अब 12 हुआ 2012 में देखो और 11 में तो तीन कम हो गया तो हम लोग बोलेंगे भाई तीन से कम हुआ ठीक है तीन से रिड्यूस हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन 2010 एंड 2012 2010 में वीट देखो कितना है वीट मतलब सर्कल वाला इधर देखो 30 एंड नेक्स्ट कौन सा ईयर पूछा है 2012 2012 मतलब यहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन दिख रहा है ये 50 के दो नीचे 50 के दो नीचे मतलब 48 तो पहले था 30 अब हो गया 48 एट डिफरेंस क्या आएगा फोर्टी एट करेंगे आप फोर्टी एट माइनस थर्टी करेंगे तो आपको मिलेगा एटीन तो कितना डिफरेंस डिफरेंस है 18 quintals का difference है Quintal है है का क्विंटल ना यूनिट अब बोला कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग दिस डायग्राम अब ये टेबल को आपको कंप्लीट करना है तो देखो 2010 में वीट का प्रोडक्शन ये 2010 सर्कल मतलब वीट तो 30 है 2011 में वीट का प्रोडक्शन यहां देखो ये थर्टी ये उसके ऊपर पांच थर्टी फाइव फिर फोर्टी थर्टी फाइव पे ना बार तो उसका प्रोडक्शन आ गया थर्टी फाइव ओके फोर्टी एट देखो टू थाउजेंड ट्वेल्व का ऑलरेडी दिया हुआ है हमने भी निकाल लिया था जवार का दो हजार दस में कितना है दस के ऊपर है देखो दस ये ना ट्राइंगल वाला जवार है तो दो हजार दस में जवार है दस एंड दो हजार ग्यारह में जवार कितना है देखो ये मैंने कैलकुलेट किया है ट्राइंगल वाला फिफ्टीन यहाँ पे टोटल मतलब व्हीट और जवार दोनों मिला के तो थर्टी प्लस टेन आ जाएगा फोर्टी फिर थर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन हो जाएगा फिफ्टी और उसने टू थाउजेंड ट्वेल्व को ऑलरेडी फ्री में कैलकुलेट करके दिया देखो फोर्टी एट और ट्वेल्व हमने भी लिखा था ना फोर्टी एट और ट्वेल्व सिक्सटी आ रहा था तो ये टेबल हमने बना दिया अब ये जो बारोग्राफ है ये आपने बचपन में पढ़ा था बचपन में मतलब सेवन में पढ़ा होगा शायद इसमें आपको दिख रहा है ये बार्स जो है एक दूसरे से ज्वाइंट है है ना जब बार्स ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे को तो उसको बोलते हैं बार ग्राफ। है? बार ग्राफ। है। नाम से ही पता चल जाता है कर लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यही टेबल यूज करके टेक्स्ट बुक वाले कुछ और इन्फॉर्मेशन भी प्लॉट करने बोल रहे हैं इसमें दिख रहा है दो अलग अलग बार है। एक थर्टी का बार है एक ये कितने टेन का, का बार है दोनों कौन सी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो हजार दस की लेकिन अगर आपको एक ही बार में 2010 की इंफॉर्मेशन प्लॉट करनी है तो क्या आप कर सकते हैं जरूर कर सकते हैं जब एक ही बार को आप वीट और जवार दोनों प्लॉट कर दोगे तो एक ही बार को आपने डिवाइड कर दिया ना दो इंफॉर्मेशन के लिए तो उसको बोलेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम ठीक है तो यही सेम इंफॉर्मेशन अभी हम लोग एक ही बार ग्राफ में बनाएंगे तो कैसे दिखेगा देखो तो यहां पे टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट पेज पे देखो दिया हुआ है ये जो टेबल है मैंने पीछे से कॉपी कर लिया यहां पे जो भी हमने बनाया था ये जो बार है ना इसमें देखो हर एक ईयर का सिर्फ एक ही बार है और एक ही बार में वीट एंड जवार दोनों प्लॉट कर दिया ठीक है तो इसने क्या किया एक बार को डिवाइड किया दो पार्ट्स में इसलिए इसको बोलेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम ठीक है सब डिवाइडेड ऐसे लिखते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कैसे करते हैं ये एकदम ईजी है फटाफट से देख लेते हैं एक बार तो यहाँ पे देखो व्हीट और जवाहर का टोटल कितना है फोर्टी तो अगर मैं फोर्टी का एक बार बना दू देखो यहाँ पे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ऐसे प्लॉट कर दिया और फोर्टी का एक बार बना दिया तो उसमें ये दोनों आ ही जाएंगे ना व्हीट और जवार कैसे आएंगे व्हीट देखो थर्टी है ना तो हम लोग थर्टी पे एक लाइन बना देंगे और थर्टी तक जो आएगा वो व्हीट होगा और थर्टी के ऊपर जो बचेगा वो जवाहर होगा क्योंकि टोटल तो फोर्टी हमने ऑलरेडी बना लिया वैसे ही आप 2011 के लिए क्या करोगे 50 का एक बार बना दोगे 50 यहां पे देखो और उसमें स्प्लिट कहां है तो 30 और 40 के बीच में यहां पे एक लाइन डाल दिया एंड 2012 में कितना है 60 दिख रहा है तो 60 के इधर एक बार बना दिया फिर वो बार को दो टुकड़े कर दिया okay? तो ये ऐसे आप बनाएंगे तो एक ही बार बनेगा इसलिए एक ही बार में दो इंफॉर्मेशन प्लॉट हो गई इजी हो गया ना थोड़ा जबकि यहां पर आपको दो अलग अलग बार बनाने थे इसलिए इसको बोलते थे जॉइंट बार ग्राफ और इसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ या सब डिवाइडेड बार डायग्राम आया समझ में अब तीसरा है है परसेंटेज बार डायग्राम वो इससे भी भी इजी यहां यहां देख लो सेम टेबल मैंने पे कॉपी कर लिया अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं परसेंटेज आप हमेशा हंड्रेड में से निकालते हैं और परसेंटेज के लिए क्या यूज होता है टोटल तो यहां पर देखो वीट जवार और टोटल है हमारे पास अब परसेंटेज हमेशा हंड्रेड में से निकलता है आपको पता है ना क्यों परसेंटेज नाम में हिंट है देखो परसेंटेज में सेंट दिख रहा है C, e, N, ये सेंचुरी 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 से आता है है मतलब मतलब क्रिकेट देखते हो ना ठीक मतलब तो परसेंटेज हमेशा हंड्रेड में से ही कैलकुलेट करते हैं कैसे करते हैं आपको किसका परसेंटेज निकालना है और उसका टोटल क्या है वो पता होना चाहिए जैसे यहां पे देखो वीट और जवाहर का ऐसे प्लॉट कर दिया दो हजार दस ग्यारह बारह इज थर्टी जवाहर इज देखो वीट इज थर्टी जवाह फिर टू थाउजेंड इलेवन में थर्टी फाइव एंड 2012 में 48, 12। इन्होंने टोटल नहीं किया टोटल भी प्लॉट कर देना चाहिए ठीक है हम जब करेंगे तब टोटल प्लॉट करेंगे टोटल कितना है देखो 30 प्लस टेन फोर्टी थर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन फिफ्टी फोर्टी एट प्लस ट्वेल्व सिक्सटी अगर अब मुझे परसेंटेज ऑफ वीट निकालना है तो कैसे निकालूंगा वीट कितना है थर्टी है कितने में से टोटल निकालने का टोटल कितना है फोर्टी तो हम लिखेंगे थर्टी अपॉन फोर्टी परसेंटेज कितने में से निकलता है हंड्रेड में से इसलिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे जब इसको सॉल्व करेंगे जीरो सेवेंटी फाइव परसेंट किसका परसेंटेज ना थर्टी देखो वीट है तो सेवेंटी फाइव परसेंट वीट है टोटल परसेंट कितना होता है हंड्रेड तो जो बचा कितना बचा हंड्रेड में सेवेंटी फाइव माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट तो जो ट्वेंटी फाइव परसेंट बचा वो कौन है वो जवर है क्योंकि दो ही लोग हैं वीट है और जवार है अगर वीट सेवेंटी फाइव है तो जवार कैसे निकालेंगे हंड्रेड में सेवेंटी फाइव को माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा ट्वेंटी तो आप सब डिवाइडेड प्लॉट करते हो ना वैसे ही करना है। सब डिवाइडेड में आप क्या करते थे टोटल जो हाइट है वो प्लॉट कर देते थे लेकिन परसेंटेज बार डायग्राम में टोटल परसेंटेज तो हमेशा हंड्रेड ही होता है तो आप क्या करेंगे हंड्रेड का बार बना देंगे तो इसमें तीन साल है ना टू थाउजेंड टेन इलेवन तीन हंड्रेड हंड्रेड के बार आ जाएंगे देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में पीछे दिए हुए हैं तो 10, 20, 30, 40 प्लॉट किया है और 100 के हाइट के तीन बार उन्होंने बना दिए सब डिवाइडेड में टोटल अलग अलग हुआ तो अलग बनेगा परसेंटेज बार डायग्राम में में सब कुछ 100 में से ही आएगा ठीक है तो हम लोग को फर्स्ट केस में कितना आया था फर्स्ट केस में वीट का आया था 75 परसेंट ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यहां देख लो 70 और 80 के बीच में यहां पे 75 फाइव एक लाइन बना देंगे उसके नीचे सर्कल मतलब वीट और उसके ऊपर जो बचा वो आ जाएगा जवाब वैसे ही आप 2011 के लिए ट्वेल्व के लिए कैलकुलेट कर लेंगे ओके okay? एक और एग्जांपल देख रहे हैं तो देख लो यहाँ पे 2011 में क्या है wheat है 35 दिख रहा है यहाँ पे और टोटल कितना है 50 तो आप लेंगे 35 फाइव अपॉन फिफ्टी परसेंटेज कितने में से होता है हंड्रेड में से तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ देखो फिफ्टी वन जार फिफ्टी टू जार थर्टी फाइव टू जार सेवेंटी तो वीट हो गया सेवेंटी परसेंट तो बाकी बचा कौन जवार जवर कितना होगा हंड्रेड में से सेवेंटी निकाल दो थर्टी परसेंट लेकिन बार बारग्राफ जब बनाएंगे तो हम लोग 2011 में 70 के ऊपर रहा है यहाँ पे 70 के ऊपर एक लाइन बना देंगे 2011 के लिए तो यहां तक वीट होगा उसके ऊपर जो बच्चा वो ज्योहार होगा वैसे ही 2012 का भी आ जाएगा ठीक है अब बताओ परसेंटेज बार डायग्राम बनाने का फायदा क्या है परसेंटेज से हमेशा कंपेरिजन बहुत ईजी हो जाता है एक एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं से आपका एक फ्रेंड है उसके स्कूल में एस वन मतलब उसका स्कूल एस वन मैथ्स का पेपर ट्वेंटी मार्क्स का है ठीक है और ट्वेंटी मार्क्स में से उसको मिलते हैं एटीन और आपका दूसरा फ्रेंड है एस टू दूसरे स्कूल में उसके स्कूल में पेपर फिफ्टी मार्क्स का है और उसको फिफ्टी में से आते हैं ट्वेंटी थ्री ठीक है अब मुझे बताओ ज़्यादा मार्क्स किसके चलो यहाँ पे ट्वेंटी थ्री के जगह पे नाइनटीन ले लेते हैं ज्यादा मार्क्स किसके हैं जो बच्चा स्कूल टू में है उसको नाइनटीन मार्क्स है इसको एटीन है तो बोल सकते हो अरे नाइनटीन तो ज़्यादा है तो ये ज्यादा स्कॉलर है स्मार्ट है नहीं ना इसको एटीन ट्वेंटी में से मिले ऑलमोस्ट फुल मार्क्स है देखो और इसको नाइनटीन फिफ्टी में से मिले जस्ट पास हुआ है ये तो ये कंपेयर कैसे करेंगे डायरेक्टली खाली मार्क्स कंपेयर करेंगे तो नहीं पता चलता ना आपको परसेंटेज निकालना पड़ता है आप एटीन का ट्वेंटी में से परसेंटेज निकालेंगे ना और नाइनटीन का फिफ्टी में से निकालेंगे तो यहां पे जो परसेंटेज आएगा वो ज्यादा आएगा तो आपको पता चलेगा अरे ये बच्चा ज्यादा स्मार्ट है इसने ज्यादा मेहनत करी है इसलिए इसको ज्यादा मार्क्स आए तो परसेंटेज से कंपेरिजन बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है ठीक है इसलिए हम परसेंटेज यूज करते हैं और परसेंटेज बायोग्राफ भी हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि कंपेरिजन ईजी हो जाता है चलो सेवन शुरू करते हैं 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बसेज एंड ट्रक्स इन नियरेस्ट लैक यूनिट्स मतलब ये फोर्टी सेवन दिया है तो फोर्टी सेवन लैक है फर्क नहीं पड़ता हमको लेकिन समझ लो कि नंबर बड़े बड़े हैं पर उसने छोटा नंबर बना के दिया है आपको ड्रॉप परसेंटेज बार डायग्राम आपको इसका परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है मतलब हंड्रेड हंड्रेड के बार्स बनाने हैं फिर उसके बीच में स्प्लिट कर देना है किसके कितने परसेंटेज है किसके किसके ट्रक्स दिए हैं और बसेस दिए हैं यस दिए टू थाउजेंड सिक्स सेवन सेवन एट एट नाइन नाइन थे ठीक है परसेंटेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है सबसे पहले आप टोटल निकालते हैं तो इन दोनों का टोटल कर देने का यहां पे टेबल में ठीक है एक टेबल बना देंगे फिर टोटल निकाल लिया उसके बाद ट्रक का परसेंटेज निकालना है तो ट्रक ट्रकने फोर्टी सेवन आउट ऑफ टोटल कितना है फोर्टी सेवन प्लस नाइन फिफ्टी सिक्स आएगा ना आउट ऑफ फिफ्टी सिक्स परसेंटेज हंड्रेड में से होता है तो फोर्टी सेवन अपॉन फिफ्टी सिक्स इंटू हंड्रेड जो भी आया वो ट्रक का परसेंटेज होगा ऐसे बनाएंगे चलो इसका टेबल कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे नीचे देखो मैंने टेबल बना दिया buses, है है ये ये नंबर नंबर ऑफ ऑफ ट्रक्स और बसेस सेम ठीक टोटल मैंने बताया सबसे पहले फाइंड करेंगे फिर परसेंटेज ऑफ ट्रक्स फाइंड करेंगे उसमें से और परसेंटेज ऑफ बसेस तो बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा इसमें एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अप्रोक्सीमेट द परसेंटेज टू द नियरेस्ट इंटीजर इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 77.13 परसेंट आया आंसर तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे 77 परसेंट ठीक है ग्राफ में प्लॉट करना इजी हो जाएगा लेकिन अगर आपको आया 77.91 परसेंट तो 77.91 किसके नजदीक है 78 के नज़दीक है ना तो आप इसको अप्रोक्सीमेट ले लेंगे 78 परसेंट ठीक है अप्रोक्सीमेशन लेंगे ये वाला वैल्यू ग्राफ में नहीं प्लॉट करेंगे ये वाला प्लॉट करेंगे उसने खुद खुद ही बोला अप्रोक्सीमेट द परसेंटेज टू द नियरेस्ट इंटीजर 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 है ना ये ये देखो इधर डेसिमल पॉइंट वाला नंबर था उसको बना दिया ओके okay, तो तो अब टेबल बनाते हैं हम यहां पे 47, 56, 60, 63, तो यहां पे वैल्यू लिख देते हैं फोर्टी सेवन सिक्सटी सिक्सटी थ्री फिफ्टी सेवन सिक्सटी सिक्सटी थ्री फिर बसेस कितने तो 56 लिख दिया और ये 9, 13, 16, 18 यहाँ से प्लॉट कर दिया अब ये सबका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा पहले टोटल निकालना पड़ेगा तो 47 सेवन प्लस नाइन आप करेंगे तो आपको आ जाएगा 350 फिफ्टी प्लस सिक्स ठीक है अब आपको परसेंटेज ऑफ ट्रक्स निकालने है। ट्रक्स देखो कितने हैं फोर्टी तो आप लिखेंगे फोर्टी आउट ऑफ टोटल कितना है टोटल ट्रक और बस का मिला के है 56 तो आप बोलेंगे आउट ऑफ 56 क्या निकाल रहे हैं आप लोग परसेंटेज तो परसेंटेज आप हमेशा 100 में से निकालते हैं तो 47 सेवन 56 फिफ्टी सिक्स इंटू करना ठीक है तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं रफ में 47 सेवन 56 फिफ्टी सिक्स इंटू का यहाँ देख लो 47 सेवन 56 फिफ्टी सिक्स इंटू कट करो ये देखो फिफ्टी सिक्स और हंड्रेड दोनों टू के टेबल में जाता है तो हम लोग टू में कट करेंगे टू टू जार फोर वन बचा सिक्सटीन बन जाएगा टू एट जार्सटीन यहाँ पे आएगा टू फाइव जार टेन टू जीरो फिर से टू के टेबल में कट करो इसको ये आ जाएगा टू वन जार टू टू फोर जार एट और ये बन जाएगा टू टू जार फोर वन बचा टू फाइव जार टेन तो आपको मिला फोर्टी सेवन इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई फोर्टीन ठीक है अब और कोई टेबल में नहीं जाता ना तो 25 फाइव इंटू करो कितना आएगा 25 फाइव सेवन ज़ार आ जाएगा 175 सेवेंटी 17 फाइव कैरी होगा 25 फाइव जा फोर आ जाएगा 100 100 प्लस सेवनटीन आ जाएगा वन हंड्रेड एंड तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे 117 किससे डिवाइड करना है इसको इसको डिवाइड करना है 14 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड करना है 14 से क्या आएगा डिवाइड करके देखो जरा यहाँ पे 14 के टेबल में 14 का टेबल आता है ना 14, 14, 8, 112 होता है ना? चेक देखो. 14, 8, 112, किया तो आपको सेवन माइनस टू फाइव आ गया आगे जीरो ये 5 नीचे आया फिफ्टी फाइव फोर्टीन थ्री 56 नहीं चलेगा थ्री हजार फोर्टी टू लेते हैं फाइव माइनस टू थ्री फाइव माइनस फोर वन थर्टीन आ गया एक डेसिमल पॉइंट डाल दिया यहाँ पे और जीरो ले लिया फिर फोर्टीन एट ज़ार हंड्रेड एंड ट्वेल्व था फोर्टीन नाइन ज़ार चेक करते हैं नाइन फोर जार थर्टी सिक्स थ्री नाइन वन नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व वन ट्वेंटी सिक्स आ रहा है ना वन थर्टी से कम है तो चलेगा 14, नाइन जार वन ट्वेंटी सिक्स माइनस करो टेन माइनस सिक्स हो जाएगा फोर ये थ्री को टू बनाया था तो जीरो फोर बचेगा अब ये एटी थ्री पॉइंट नाइन आ गया ना आपने पढ़ा था ना अप्रोक्सीमेट करना है तो इसका आंसर क्या आया परसेंटेज में एटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट लेकिन उसने बोला था नियरेस्ट इंटीजर अभी एटी थ्री पॉइंट नाइन के यहाँ पे दो इंटीजर है या तो एटी थ्री या एटी फोर ये वाला नंबर एटी फोर के ज्यादा नजदीक है ना देखो एटी थ्री पॉइंट नाइन है तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे एटी फोर परसेंट ठीक है तो ये जो वैल्यू था फोर्टी सेवन अपॉन फिफ्टी सिक्स इंटू हंड्रेड इसका वैल्यू क्या आ गया एटी फोर परसेंट तो लिख दो वहां पर ओके okay? तो यहां पे आ गया 84 परसेंट बच्चों सॉल्व करने में टाइम लग रहा है बिकॉज मैं आपको सारा कैलकुलेशन एक्सप्लेन कराऊंगा तो ये बहुत फटाफट हो जाएगा इधर मैं सीधा पेस्ट कर दू कैलकुलेशन तो इतना टाइम नहीं लगेगा लेकिन कैलकुलेशन फर्स्ट क्वेश्चन है समझ लो बाद में हम लोग फटाफट कर लेंगे अब परसेंटेज ऑफ ट्रक एटी फोर दो ही है ट्रक है और बसेज है टोटल परसेंटेज कितना होता है हमेशा हंड्रेड होता है तो अगर बसेज निकालना है तो आप क्या करेंगे हंड्रेड में से एटी को माइनस कर देंगे तो यहां पर हम लिखेंगे इक्वल टू हंड्रेड माइनस या हंड्रेड परसेंट माइनस एटी फोर परसेंट विच इज इक्वल टू सिक्सटीन परसेंट दिख रहा है परसेंटेज ऑफ बसेस कितना इजीली मिल गया सिक्सटीन परसेंट ओके तो ट्रक्स निकाल लिया तो बस बहुत इजीली मिल जाएगा चलो टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड एट के लिए निकालते हैं यहां पे टोटल आएगा फिफ्टी सिक्स प्लस थर्टीन टोटल आप करो आ जाएगा सिक्सटी नाइन फिर आप ट्रक का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ट्रक कितने हैं फिफ्टी सिक्स आउट ऑफ सिक्सटी नाइन है ना टोटल तो हम लिखेंगे फिफ्टी सिक्स अपॉन नीचे आ जाएगा सिक्सटी नाइन फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से बिकॉज परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो ना आप तो फिफ्टी सिक्स अपॉन सिक्सटी नाइन हंड्रेड ये पीछे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे रफ वर्क में देखो फिफ्टी सिक्स अपॉन सिक्सटी नाइन इंटू हंड्रेड कर रहे हैं हम लोग अब यहाँ पे देखो ये थ्री में जाता है लेकिन ये थ्री में नहीं जाता ये थ्री में नहीं जाता टू में तो ये जाएगा ही नहीं बिकॉज लास्ट में नाइन है तो ये लोग एक टेबल में तो जा ही नहीं रहे तो आपको ये मल्टीप्लाई करके चेक करना ही पड़ेगा तो आप क्या करेंगे फिफ्टी सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सिक्स इंटू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स हंड्रेड हो जाएगा ना तो ये आपको मिलेगा फिफ्टी सिक्स हंड्रेड अपॉन क्या आ जाएगा नीचे नीचे आपको मिलेगा सिक्सटी नाइन है ना इधर अब आप लोग यहाँ पे ये ऐसे कैलकुलेट कर लो फिफ्टी सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाय सिक्सटी नाइन ठीक है सिक्सटी नाइन का टेबल से सिक्सटी नाइन टेन हज़ार सिक्स नाइन्टी आएगा फाइव सिक्सटी सिक्स नाइन्टी से तो कम है है ना तो सिक्सटी नाइन नाइन और कम होगा सिक्सटी नाइन एट चेक करते हैं सिक्सटी नाइन एट क्या आएगा देखो यहाँ पे एट नाइन 72 सेवेंटी टू एट सिक्स हज़ार फोर्टी एट प्लस सेवन फाइव फाइव फिफ्टी फाइव दिख रहा है ये फाइव सिक्सटी लाना है ना आपको और ये फाइव फिफ्टी टू आ रहा है तो आप बोलेंगे ठीक है भाई तो चलेगा सिक्सटी नाइन एट ये कलर दिखेगा नहीं आपको सिक्सटी नाइन एट फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी टू क्या आ गया ये सिक्स को फाइव बनाया टेन माइनस टू एट फाइव माइनस फाइव जीरो जीरो ठीक है अब नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट ये जीरो आएगा नीचे आ गया एट्टी सिक्सटी नाइन वन जार सिक्सटी नाइन बहुत ही ईजी है ये सिक्सटी नाइन वन जार सिक्सटी नाइन माइनस करो टेन माइनस नाइन हो जाएगा वन क्योंकि ये टेन बन जाएगा ना सेवन के और सेवन माइनस सिक्स वन इलेवन आ गया अब आपको 11 तो सिक्सटी नाइन में मिलने नहीं वाला तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पे मस्त वाला एक डेसिमल पॉइंट डालेंगे और यहाँ पे एक जीरो डालेंगे अब सिक्सटी नाइन टू जार देख लो कितना आता है सिक्सटी नाइन टू जार टू नाइन जार आ जाएगा एटीन वन टू सिक्स जर ट्व प्लस वन थर्टी वन थर्टी एट आता है हमको हंड्रेड एंड टेन चाहिए तो सिक्सटी नाइन टू जार नहीं चलेगा तो आप क्या करेंगे सिक्सटी नाइन वन जार कर लेंगे सिक्सटी नाइन वन जार कितना होता है सिक्सटी नाइन माइनस करो ये वन बन जाएगा जीरो टेन माइनस नाइन आ जाएगा वन ये वन बन जाएगा जीरो टेन माइनस सिक्स आ जाएगा फोर फोर्टी वन अभी इसके आगे करने की जरूरत नहीं है ये हमने पूरा इसका वैल्यू क्या निकाल लिया इसका वैल्यू आ गया एटी वन पॉइंट वन परसेंट लेकिन उसने बोला था इंटीजर आना चाहिए तो इसको जबरदस्ती इंटीजर बनाओ जबरदस्ती इसको इंटीजर कैसे बनाएंगे इसको मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ रफ वर्क है इसको मैं लिखूंगा अप्रोक्सीमेटली इसको मैं एटी वन परसेंट लिख सकता हूँ ठीक है पॉइंट वन देखो फाइव से कम है ना पॉइंट फाइव से ज्यादा होता है तो आप आगे का नंबर लेते हो पॉइंट फाइव से कम होता है देखो पॉइंट वन है तो हम उसके पीछे का नंबर लेते हैं एटी वन अगर ये एटी वन पॉइंट सिक्स होता तो मैं इसका अप्रोक्सीमेशन लेता एटी टू परसेंट ठीक है लेकिन ये एटी वन पॉइंट वन है इसलिए अप्रोक्सीमेशन लिया एटी वन परसेंट तो इसका आंसर आ गया एटी वन परसेंट लिख दो टेबल में तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख दूंगा एटी वन पॉइंट वन परसेंट और फिर बोलूंगा भाई अप्रोक्सीमेटली टू एटी वन परसेंट ओके परसेंटेज ऑफ बसेस क्या आएगा परसेंटेज ऑफ बसेस आएगा हंड्रेड परसेंट माइनस एटी वन परसेंट क्योंकि दोनों का मिला के ट्रक और बस का मिला के हंड्रेड होना चाहिए अगर ये एटी वन है तो ये आएगा हंड्रेड माइनस एटी वन विच इज नाइनटीन परसेंट अगर आपको यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं डालना है तो मत डालो ओके okay? तो ये आ गया नाइनटीन परसेंट अच्छा इधर एक इक्वल टू तो लगेगा ना ऐसा वाला समझ में आ अब 2008 2009 का आप खुद से कैलकुलेट करो पहले क्या करेंगे टोटल 60 प्लस सिक्सटीन कितना आता है फिर ट्रक का परसेंटेज निकालना है बस का परसेंटेज निकालना है ठीक है मैं आपको बताऊंगा कि आंसर क्या आता है वीडियो पॉज कर दो और अभी खुद से सॉल्व करो चलो देख लो जिनको नहीं आया वो सिक्सटी अपॉइंट सेवेंटी देखो ये इवेंट नंबर है ये भी इवेंट नंबर तो कट होगा ना टू में तो मैं इसको कट करता हूँ टू थ्री जार सिक्स टू एट जार सिक्सटीन ये हो जाएगा टू थ्री हजार टू जीरो ज़ार फिर से ही नंबर आया अभी भी कट होगा ये आ जाएगा टू नाइनटीन हजार थर्टी एट ये हो जाएगा टू फिफ्टी थर्टी अब देखो ये प्राइम नंबर हो गया नाइनटीन तो अब कट नहीं होने वाला तो फिफ्टीन इन हंड्रेड आ जाएगा आपको फिफ्टीन हंड्रेड और नीचे क्या बचा नीचे आपके पास बचा नाइनटीन सर तो नाइनटीन तो इसका वैल्यू निकालो फिफ्टीन हंड्रेड अपॉन नाइनटीन नाइनटीन का तो टेबल आपको हंड्रेड परसेंट आता ही होगा तो हम लोग को सीधा वैल्यू मिलने वाला है देखो फिफ्टीन तो नीचे लेगा वन फिफ्टी है सेवन जार होता है वन थर्टी थ्री और नाइनटीन एट जार होता है वन फिफ्टी टू तो वन थर्टी थ्री लेंगे ना नाइनटीन सेवन हजार तो हम लोग लेंगे नाइनटीन सेवन जार वन थर्टी थ्री ये जीरो में को टेन बनाऊंगा, फाइव को फोर टेन माइनस थ्री आ जाएगा सेवन फोर माइनस थ्री हो जाएगा वन सेवनटीन आ गया ये जीरो को नीचे लेके आओ वन सेवेंटी अब अभी मैंने आपको बताया नाइनटीन एट जार होता है वन फिफ्टी टू ठीक है नाइनटीन नाइन जार देखो क्या होता है होता है। तो 170 से ज़्यादा हो गया ना, नहीं चलेगा तो हम लोग लेंगे 98, 000, 152, ये 7 को 6 बनाएंगे, 10 -2, 8 हो जाएगा, तो आ गया अब यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट डालेंगे और इसको वन एटी बना देंगे दिख रहा है ज्यादा हो जाएगा तो नाइनटीन नाइन जार वन सेवेंटी वन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एट सेवन टेन माइनस वन नाइन नाइन आ जाएगा रिमाइंडर बट मुझे यहाँ तक ही चाहिए सेवेंटी एट पॉइंट नाइन तक ही चाहिए ठीक है तो मैं इधर लिखूंगा भाई तेरी वैल्यू है सेवेंटी एट पॉइंट नाइन परसेंट और अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे दिख रहा है पॉइंट फाइव से ज़्यादा है तो आगे वाला नंबर सेवेंटी एट के आगे वाला नंबर होता है सेवेंटी नाइन तो इसको हम लोग लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी नाइन परसेंट आया था आंसर सेवेंटी नाइन नहीं आया तो चेक करो कहाँ पे मिस्टेक किया है कुछ लोग डायरेक्टली सिक्सटी इंटू हंड्रेड करके सेवेंटी सिक्स से डिवाइड करेंगे वो भी सही है गलत नहीं है ठीक है लेकिन बड़े बड़े मल्टी टेबल्स लेने पड़ेंगे आंसर तो सेवेंटी एट पॉइंट नाइन ही आने वाला है तो लिख दो टेबल में तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेवेंटी एट पॉइंट नाइन परसेंट अप्रॉक्सीमेट का साइन ये है देखो ऐसा वाला दो छोटे एस ऐसे टेढ़े वाले सेवेंटी नाइन परसेंट बस कितना आ जाएगा हंड्रेड में से सेवेंटी नाइन माइनस करूंगा तो ट्वेंटी वन परसेंट अब ये वाला क्या आएगा देखो सिक्सटी थ्री प्लस एटीन पहले टोटल करो एट प्लस थ्री हो जाएगा इलेवन वन यहाँ पे जाएगा सेवन प्लस वन हो जाएगा एट एटी वन इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे ट्रक्स का निकाल रहा हूं तो ट्रक्स है सिक्सटी थ्री तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिक्सटी थ्री अपॉन टोटल कितना है टोटल हमने अभी निकाला देखो एटी वन तो नीचे लिख लेंगे एटी वन परसेंटेज हमेशा हंड्रेड में से होता है सिक्सटी थ्री अपॉन एटी वन इन हंड्रेड रफ्ट में देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे राइट में थोड़ी जगह करके मैंने बनाया देखो यहाँ पे सिक्सटी थ्री और एटी वन दोनों थ्री में जाएगा राइट सिक्स प्लस थ्री नाइन एट प्लस वन नाइन पर नाइन में ही जाता है अगर नाइन का टेबल आता है तो नाइन में ही कट करते हैं नाइन सेवन जार सिक्सटी थ्री नाइन नाइन जार एटी वन अब देखो अब ये कट नहीं होगा तो सेवन टू हंड्रेड आ जाएगा सेवन हंड्रेड अपॉन नीचे क्या बचेगा नीचे बचेगा ये नाइन ना तो सेवन हंड्रेड डिवाइड बाय नाइन सॉल्व करते हैं यहाँ पे डिवाइड करते हैं सेवन हंड्रेड डिवाइड बाय नाइन इजी कैलकुलेशन है देखो सेवेंटी नाइन सेवन सिक्सटी थ्री नाइन एट सेवेंटी टू तो नाइन सेवन सिक्सटी थ्री आएगा तो नाइन सेवन सिक्सटी थ्री ले लिया माइनस किया तो आएगा सेवन फिर से ये ज़ीरो नीचे आएगा सेवेंटी फिर से नाइन सेवन सिक्सटी थ्री बचा सेवन और यहाँ पे ज़ीरो नहीं है तो डेसिमल डालेंगे और एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लेंगे फिर से नाइन सेवन सिक्सटी थ्री फिर से आ गया आपको सेवन ऐसे कर करके सेवेंटी सेवन पॉइंट सेवन आ गया तो इसका वैल्यू आ रहा है 77.7 सेवन पॉइंट सेवन परसेंट अप्रोक्सीमेटली कितना होगा वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा सेवेंटी एट परसेंट ओके तो इसका वैल्यू भी टेबल में लिख देते हैं तो यहां पे इसका वैल्यू आया सेवेंटी सेवन पॉइंट सेवन परसेंट जो अप्रोक्सीमेटली है 78 एट परसेंट बसेस कैसे निकालेंगे हंड्रेड परसेंट में से माइनस करेंगे ये वाला वैल्यू तो मुझे मिलेगा हंड्रेड परसेंट माइनसेंट विच इज ना तो ये सब इंफॉर्मेशन कोई काम नहीं आने वाली सिर्फ ट्वेंटी टू और ये जो हैं वो हम लोग नीचे लिख देंगे तो इसका बार ग्राफ कैसे बनाएंगे पहले हंड्रेड हंड्रेड के बार बना देंगे कैसे आएगा देखो यहाँ पे चार बार बना दिया मैंने हंड्रेड हंड्रेड के और Y पे क्या लिया वाई एक्सपे लिया टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी 90, हंड्रेड ठीक है ये जो है ना ये यहां पे एक बार ये पहले साल टू थाउजेंड सिक्स सेवन का है ठीक है, है. है तो नीचे लिख दो तो यहाँ पे मैंने देखो लिख दिया टू थाउजेंड सिक्स टू थाउजेंड सेवन में क्या था तो यहाँ पे टू थाउजेंड सिक्स टू थाउजेंड सेवन में ट्रक्स थे 84% और बसेस थे 16% तो ये 84% ट्रक्स प्लॉट कर दो तो 2006-7 में 84 देखो 80 ये रहा 80 के ऊपर one two three four 84 के ऊपर एक लाइन बना देनी है आपको तो कहाँ आ जाएगी लाइन ये यहाँ पे three और four 84 ओके ये 84 तक ये जो है एरिया ये ट्रक का है जो बचा ऊपर ये वाला पार्ट वो बस का है। शेडिंग अपन बाद में कर देंगे पहले ये देख लो आया समझ में अब 2007-2008 टू थाउजेंड परसेंट देखो टू पे वैसे ही 2008-2009 में 79 और 78 तो आपको 81, 79, 78 तीन बार में प्लॉट कर देते हैं तो इस वाले में एटी प्लॉट करना है यहां देख लो 80 ये एरा तो ये वाला 80 होगा उसके ऊपर एक लाइन तो एटी वन तो यहां पे आ जाएगा फिर नेक्स्ट क्या था सेवनटी नाइन टू थाउजेंड एट नाइन में टेबल आप देख लो सेवेंटी नाइन कहां पर आएगा एटी ये एटी से एक कम करेंगे तो सेवनटी नाइन हो जाएगा तो हम लोग एक कम पे सेवनटी नाइन डाल देंगे ओके फिर नेक्स्ट क्या था सेवनटी एट टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड टेन में सेवनटी एट तो ये एट्टी का लाइन है देखो ये रहा एट्टी उससे दो कम करेंगे तो सेवनटी एट हो जाएगा ना तो दो कम कर दिया सेवनटी एट अब ये नीचे का पार्ट है ना ऐसे शेड कर देते हैं और वो ट्रक का है हमने ट्रक के परसेंटेज प्लॉट किए ना जो बचा है ऊपर वो तो हमको पता है कि वो बस का आने वाला है ठीक है तो यहां पे शेडिंग कर देते हैं और शेडिंग को नाम दे देते हैं कि वो ट्रक का है और दूसरा बस का तो कैसे दिखेगा ग्राफ ऐसे दिखेगा ग्राफ यहाँ पे देखो मैंने शेडिंग कर दिया पूरा ये जो ब्लू कलर का शेडिंग है वो परसेंटेज ऑफ ट्रक्स है और ये जो ब्लैंक है वो परसेंटेज ऑफ बसेस है।, है ना एकदम ईजी एक्सेस भी लिख दिया देखो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस इसमें मेन क्या था कैलकुलेशन परसेंटेज निकालना थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज नंबर्स बहुत बड़े बड़े थे ईजीली डिवाइड नहीं हो रहे थे तो वो तो मैंने आपको पूरा रफ रफवक करके बता दिया ये परसेंटेज बार डायग्राम बनाना तो बहुत ईजी है पहले हंड्रेड का एक बार बना देने का फिर जो भी एक है ट्रक का देखो मैंने प्लॉट कर दिया ट्रक का आ प्लॉट किया जो बचा है खाली वो बस हो जाएगा ओके ये सब लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वन सेंटीमीटर इक्वल टू टेन परसेंट क्या है टेन परसेंट वहीकल्स ना तो आप उसके बाजू में व्हीकल्स लिख सकते हो ठीक है उसको स्केल बोलते हैं ये जो हमने लिखा है ना टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवनटी एटी नाइटी हंड्रेड चलो फटाफट से नोटबुक में बना लो मैं कैलकुलेशन का पेज एक बार फिर आपको बता देता हूं ताकि आप वो भी कॉपी कर लो या फिर सॉल्व करते करते वीडियो पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करके चेक करो कि आपने सेम कैलकुलेशन किया तो आपको राइट आंसर आया कि नहीं ले लिया इसका स्क्रीनशॉट अभी कैलकुलेशन देख लो ये कैलकुलेशन वाला पेज है मैंने फर्स्ट वैल्यू यहां पे निकाला है सेकेंड वैल्यू उसके नीचे थर्ड वैल्यू इधर एंड फोर्थ वैल्यू यहां पे साइड में चारों वैल्यू मैंने एकदम ही डिटेल में हर एक चीज आपको टेबल वेबल सब सॉल्व करके बता दी ओके तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का पहले मैंने ये टेबल बनाया ये टेबल यूज करके ये टेबल क्या किया हमने टेबल के वैल्यूज कैलकुलेट किए और वो यूज करके परसेंटेज बार डायग्राम बनाया ठीक है आया समझ में परसेंटेज बार डायग्राम क्या होता है चलो सही है नेक्स्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन दिया है इन द टेबल गिवेन बिलो द इंफॉर्मेशन इज गिवेन अबाउट रोड यूजिंग दिस सब डिवाइडेड एंड परसेंटेज परसेंटेज बार बार डायग्राम डायग्राम तो अभी मैंने बनाया तो आ जाएगा करेंगे हम लोग लेकिन फास्ट करेंगे इस बार और पहला डायग्राम है सब डिवाइडेड क्या है देखो अप्रोक्सीमेट द परसेंटेज टू द नियरेस्ट इंटीजर इसमें भी अप्रोक्सिमेशन लेना है आपको परमानेंट रोड दिए हैं और टेम्पररी रोड दिए यहां पर भी देखो लैक्स में है लेकिन उससे हमको कोई फर्क पड़ा था कि पहले भी नहीं तो यहाँ पे फोर्टीन है टेन है फिफ्टीन है इलेवन है बहुत ही ईजिली हो जाएगा सबसे पहले टोटल निकालेंगे चलो इसका टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे ये यह टेबल पूरा मैंने नीचे कॉपी कर लिया देखो यहाँ पे फोर्टीन टेन फिफ्टीन इलेवन सेवेंटीन थर्टीन ट्वेंटी नाइन्टीन सब डिवाइडेड बार डायग्राम में आपको परसेंटेज नहीं निकालना होता सिर्फ टोटल निकालना होता है तो फोर्टीन और टेन का टोटल कितना आएगा फोर्टीन प्लस टेन आ जाएगा ट्वेंटी फोर फिर फिफ्टीन प्लस इलेवन फाइव प्लस वन सिक्स एंड यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा सेवनटीन प्लस थर्टीन आ जाएगा थर्टी एंड ट्वेंटी प्लस नाइनटीन आ जाएगा थर्टी नाइन ठीक है सब डिवाइडेड बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है आपको टोटल का एक बार बना देना मतलब एक बार ट्वेंटी फोर का एक बार ट्वेंटी सिक्स का एक बार थर्टी का और एक बार थर्टी नाइन का चार बार बना देना है बाद में उसको फोर्टीन और टेन में डिवाइड कर देना है ठीक है चौबीस का एक बार बनाओगे तो उसमें फोर्टीन और टेन आ ही जाएगा ना तो पहले हम लोग क्या करेंगे एक ग्राफ पेपर पे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स थर्टी थर्टी नाइन का बार बना देंगे स्केल लेना पड़ेगा अब स्केल कितना लेते हैं फाइव का लेते हैं क्या स्केल वन सेंटीमीटर इक्वल टू फाइव सबसे बड़ा नंबर थर्टी नाइन मतलब फोर्टी के आसपास है ना तो फाइव एट जर फोर्टी तो आठ सेंटीमीटर तक बड़ा ग्राफ जाएगा टेन लेंगे तो बहुत छोटा आएगा टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी यहीं पर ग्राफ खत्म हो जाएगा उतना छोटा ग्राफ नहीं बनाने का थोड़ा बड़ा बनाने का ठीक है तो अपन वन सेंटीमीटर इक्वल टू फाइव लाख किलोमीटर ले लेते हैं सब कुछ लाख किलोमीटर है ना यहाँ पे तो वन सेंटीमीटर कॉल टू फाइव लाख किलोमीटर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने सब डिवाइडेड बाई डायग्राम के लिए एक्सिस बना दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने आपको बताया स्केल ले रहा हूँ वन सेंटीमीटर कॉल टू फाइव लाख किलोमीटर ऑन वाई एक्सिस तो अगर मुझे फाइव लेना है देखो फाइव लाख किलोमीटर ऑन वाई एक्सिस लेना है तो यहाँ से शुरू करूंगा देखो ये जीरो है जीरो के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइव इधर टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी फिर थर्टी के बाद थर्टी फाइव एंड फोर्टी फोर्टी से बड़ा कोई नंबर है नहीं तो फोर्टी पे रुक जाएंगे ओके देखा कितना बड़ा ग्राफ बन रहा है अगर आप टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी लेते तो यहीं पे बार खत्म हो जाता तो बहुत छोटा दिखता ओके अभी हम लोग इस पर टू से टू थाउजेंड से टू टू से थ्री थ्री से फोर का ग्राफ बनाएंगे कैसे आएगा टोटल देख लो यहाँ पे टोटल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स थर्टी थर्टी नाइन है ना टू थाउजेंड टू थाउजेंड वन का ट्वेंटी फोर है तो ट्वेंटी फोर का एक बार बना दो 2000 और 2001 में 24 का बार है देखो यहाँ पे 20 और 25 के बीच में कहीं पे 24 आएगा अभी जीरो से लेके फाइव तक जाना है तो वन कितना है दो बार जाएंगे तो वन और दो लाइन जाएंगे तो टू और दो लाइन जाएंगे तो तीन और दो लाइन जाएंगे तो ऐसे कर करके आएगा ना फाइव ठीक है तो दो लाइन मतलब एक है तो अभी आपको क्या प्लॉट करना है ट्वेंटी तो ट्वेंटी के दो लाइन नीचे आऊंगा तो ट्वेंटी आ जाएगा ना ओके okay. आप ऐसे समझो देखो टेन तक जाना है तो कैसे जाओगे दो लाइन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ऐसे आएगा ना तो ट्वेंटी फाइव के दो लाइन नीचे यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी फोर तो बना दो एक लाइन वहाँ पे ये लाइन यहाँ पे बना दिया अभी इसको ज्वाइन करके एक ऐसे इधर बार बना देना है आपके लिए बहुत ईजी है सब क्योंकि आपके पास स्केल है मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है लेकिन समझ में आ गया ना आपको ये हमने प्लॉट कर दिया ट्वेंटी फोर अभी नेक्स्ट ईयर देखो टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड टू में आप देखेंगे तो क्या आ रहा है आपको मिल रहा है ट्वेंटी सिक्स वैसे ही फिर मिल रहा है थर्टी फिर मिल रहा है थर्टी नाइन तो ट्वेंटी सिक्स प्लॉट कर दो ट्वेंटी सिक्स कहाँ आएगा ट्वेंटी फाइव के ऊपर एक ट्वेंटी सिक्स एक के लिए आपको दो लाइन जाना पड़ेगा यहाँ पर स्केल वैसा लिया है ना तो ट्वेंटी सिक्स पे एक लाइन बना देंगे अपन ट्वेंटी फाइव के ऊपर दो तो लाइन ट्वेंटी सिक्स नेक्स्ट क्या था नेक्स्ट था हमारा थर्टी दिख रहा है यहाँ पे थर्टी और फिर थर्टी नाइन तो वैसे ही थर्टी थर्टी नाइन पे लाइन बना दो थर्टी तो बहुत आ जाएगा देखो यहां पे थर्टी है इधर इधर तो ये वाले के 30 की एक लाइन बना दो और फिर 39, ये वाले में 39। 40 से दो लाइन नीचे आ जाएगा थर्टी नाइन ओके अब इसका बार बना दो ऐसे स्केल से तो ये मैंने यहां पे टोटल के बार्स बना दिए अब इसमें क्या क्या बोला था परमानेंट रोड और टेम्प्री रोड तो इसमें परमानेंट रोड हम लोग प्लॉट कर देंगे देखो ये ट्वेंटी फोर था लेकिन इसमें परमानेंट रोड्स कितना है फोर्टीन तो ये फोर्टीन हम लोग इसमें प्लॉट कर देंगे देखो फोर्टीन कहाँ पे आएगा इसमें अगर आप फोर्टीन ढूंढेंगे तो यहां पे देखो फाइव टेन फिफ्टीन फिफ्टीन के नीचे होगा तो यहाँ पे फोर्टीन कहाँ पे आएगा टू थाउजेंड में फिफ्टीन से एक कम होता है एक कम के लिए आपको दो लाइन नीचे जाना पड़ेगा तो आप लोग यहाँ पे दो लाइन के यहाँ पे एक लाइन बना देंगे ठीक है इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसको शेड कर देंगे ये क्या होगा परमानेंट रोड और जो बचा ऊपर वो क्या होगा टेम्पररी रोड आया समझ में ये दो नीचे क्यों गए समझ में आया ना देखो दो लाइन मतलब वन होता है वन फिर और दो लाइन मतलब ऐसे टू दो लाइन थ्री दो लाइन फोर फिर और दो लाइन फाइव फाइव तक पहुंचने के लिए दो 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 करके जाना पड़ता है तो अगर फिफ्टीन से एक नीचे आना है फोर्टीन तो दो लाइन नीचे आना पड़ेगा ठीक है, है? क्योंकि दो लाइन का मतलब वन यूनिट है नेक्स्ट है टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड टू देख लो 2001 2002 में परमानेंट रोड कितना है 15 ठीक है तो हम लोग 15 प्लॉट कर देते हैं तो 2001 2002 में 15 देखो 15 तो सामने सामने मस्त फ्री में मिल रहा है तो 15 पे एक लाइन बना दिया ओके नेक्स्ट क्या है 2002 2003 उसमें परमानेंट रोड कहाँ है देखो 2002 2003 में परमानेंट रोड है सेवनटीन करो सेवनटीन प्लॉट 2002 2003 में 17, फिफ्टीन ये रहा ट्वेंटी ए रहा फिफ्टीन के ऊपर दो जाऊंगा तो आ जाएगा सिक्सटीन और दो जाऊंगा तो आ जाएगा सेवनटीन तो चार के ऊपर एक दो तीन चार यहाँ पे एक लाइन बना देंगे तो ये आ जाएगा अपना 17. नेक्स्ट कितना है नेक्स्ट है आपका टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड फोर और ट्वेंटी आ रहा है परमानेंट रोड तो ट्वेंटी पे एक लाइन बना देंगे ये टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड फोर और ट्वेंटी ये रहा इधर तो यहाँ पे एक लाइन बना दिया ओके okay? जो ये ऊपर बच रहा है ना लाइन के ऊपर वाला पार्ट ये अपना टेम्पररी रोड है तो इसको शेडिंग कर दो कोई अलग कलर का तो मैंने यहां पे शेडिंग कर दिया ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना शेडेड वो है अपना परमानेंट रोड और जो उसके लाइन के ऊपर ब्लैंक है वो है अपना टेम्प्ररी रोड दिख रहा है शेडेड जो है वो मैंने लिख दिया परमानेंट रोड और जो ब्लैंक है वो है अपना टेम्पररी रोड इसको क्या बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्यों सब डिवाइडेड बार डायग्राम बिकॉज एक ही बार को दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में जब आप डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं सब डिवाइडेड ये वाले केस में दो ही थे परमानेंट रोड एंड टेम्पररी रोड तो हम लोगों ने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक बार पूरा बार ग्राफ देख लो कैसा है इसका कैलकुलेशन भी बहुत इजी था सब डिवाइडेड का परसेंटेज में थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन था इसमें तो बहुत ही कम था कैलकुलेशन देखो यहां पे सिर्फ टोटल निकालना बस परसेंटेज में तो आगे इसके बाद परसेंटेज भी निकालना पड़ता है ठीक है तो तो पे हम लोगों ने इसका सब डिवाइडेड तो निकाल लिया अब इसने बोला है भाई इसमें तुम परसेंटेज बार डायग्राम निकालो सौ का एक ही क्वेश्चन दिया लगता है कितना टाइम जाएगा ना परसेंटेज बार निकालने प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्पीड बढ़ाने के लिए चलो परसेंटेज बार डायग्राम निकालते हैं यही टेबल यूज करके सेम क्वेश्चन में परसेंटेज बार डायग्राम निकालना है तो हम लोगों ने यही टेबल यहां पे पूरा कॉपी कर लिया नीचे अब क्या टोटल निकालेंगे टोटल हमने ऑलरेडी सब डिवाइडेड में निकाला था फोर्टीन प्लस टेन आ जाएगा ट्वेंटी फोर फिफ्टीन प्लस लेवन आएगा ट्वेंटी सिक्स सेवनटीन प्लस थर्टीन आएगा थर्टी ट्वेंटी प्लस नाइनटीन आएगा थर्टी नाइन अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ परमानेंट रोड एंड परसेंटेज ऑफ टेम्प्ररी रोड पहले परमानेंट रोड निकालते हैं परमानेंट रोड के लिए क्या करेंगे परमानेंट रोड कितना है फोर्टीन तो हम लिखेंगे यहाँ पे फोर्टीन अपॉन नीचे क्या आएगा टोटल टोटल कितना है देखो ट्वेंटी फोर तो नीचे हम लोग लिख देंगे ट्वेंटी फोर परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे हंड्रेड से ठीक है वैसे यहाँ पे क्या आएगा इधर कैलकुलेट करना है फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी सिक्स तो यहाँ पे लिख दूंगा फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड इधर क्या आ जाएगा सेवनटीन अपॉन थर्टी टोटल लेना है नीचे याद रखना गलती से सेवनटीन अपॉन थर्टीन मत ले लेना तो आएगा सेवनटीन अपॉन थर्टी मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड और यहाँ आएगा ट्वेंटी अपॉन थर्टी नाइन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड ये सबका आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो रफ में करते हैं कैलकुलेट सबसे पहला वाला है फोर्टीन अपॉइंट ट्वेंटी फोर इन टू हंड्रेड यहां पर फोर्टीन एंड ट्वेंटी फोर दोनों टू में कट होता है ईवन नंबर तो इसको लिखेंगे टू ट्वेल्व हजार और ये आ जाएगा टू सेवन हजार ठीक है अब ये ट्वेल्व और ये हंड्रेड भी एक टेबल में जाते हैं तो इसको भी कट करते हैं एक टेबल में किस में जाएंगे टू में तो ये आ जाएगा टू सिक्स हजार और ये हो जाएगा टू फाइव जार टेन टू जीरो जीरो ठीक है अब भी ये सिक्स और ये फिफ्टी भी एक टेबल में जाएंगे तो इसको भी कट करके देख लेते हैं हम लोग किस में कट करेंगे हम लोग इसको इसको भी कट करेंगे हम लोग टू में तो ये आ जाएगा टू थ्री जार सिक्स और ये हो जाएगा टू ट्वेंटी फाइव जार फिफ्टी अब ये लोग एक टेबल में नहीं जाते हैं तो कर दो मल्टीप्लाई सेवन इन ट्वेंटी फाइव आ जाएगा वन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव एंड नीचे क्या बचा है खाली नीचे बचा है थ्री ये वाला का डिवीजन सॉल्व करते हैं 175 डिवाइड बाय 3 अगर हम लोग करें तो क्या मिलेगा बहुत ही इजी डिवीजन है 3 5 0, 15 बचा 2 नीचे 5 आया ये वाला 3 8 0, 24 बचा 1 डेसिमल पॉइंट 0 3 3 0, 9 माइनस यहां बचा 1 फिर और करना है तो कर सकते हैं ना जीरो आएगा थ्री थ्री जार नाइन माइनस वन ठीक है तो आ गया इसका आंसर फिफ्टी एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट जिसका अप्रोक्सीमेशन हम लोग क्या लेंगे फिफ्टी एट पॉइंट फाइव से ज़्यादा होता तो फिफ्टी नाइन ले लेते फिफ्टी एट पॉइंट थ्री थ्री है इसलिए हम लोग इसको लेंगे फिफ्टी एट परसेंट तो पहला वाला हम लोग को एकदम ईजी आ गया लिख दो फिफ्टी एट परसेंट वहाँ पे तो ये वाला वैल्यू हम लोगों ने निकाला 58.33 परसेंट जिसका अप्रोक्सीमेशन हमने निकाला 58 परसेंट परसेंटेज ऑफ टेम्प्रेरी रोड्स क्या आएगा हंड्रेड परसेंट माइनस फिफ्टी एट परसेंट ये वाला और कितना आएगा टू लिखेंगे तो सिक्सटी मतलब फोर्टी टू परसेंट माइनस करके देख लो नेक्स्ट है फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी सिक्स इंटू हंड्रेड ये कैलकुलेट करते हैं अभी तो फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी सिक्स है कट करके देखो क्या आएगा दोनों यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स और हंड्रेड दोनों टू में जाएगा तो मैं बोलूँगा भाई टू थर्टीन जार ट्वेंटी सिक्स और ये हो जाएगा टू फिफ्टी ज़ार बस अभी और कुछ नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर लो फिफ्टीन इंटू फाइव हमको पता है कि होता है 75 फाइव लेकिन फाइव नहीं था फिफ्टी था तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा अपॉन नीचे क्या बचा खाली नीचे बचा थर्टीन दिख रहा है यहाँ पे फिफ्टीन इंटू फाइव सेवनटी फाइव और ये ज़ीरो तो ज़ीरो और ये थर्टीन सेवन फिफ्टी डिवाइड बाई थर्टीन एकदम ही ईजी है करके देखते हैं क्या आएगा सेवन फिफ्टी अपॉन थर्टीन मतलब सेवन फिफ्टी डिवाइड बाई थर्टीन थर्टीन फाइव हज़ार सिक्सटी फाइव होता है रहा कराऊँ थर्टीन का टेबल आपको आता है थर्टीन सिक्स हजार एट होता है सेवेंटी फाइव से ज़्यादा है नहीं चलेगा थर्टीन फाइव ज़ार सिक्सटी फाइव माइनस किया तो यहाँ पे आएगा जीरो सेवन माइनस सिक्स वन ये जीरो नीचे आएगा हंड्रेड थर्टीन सेवन हजार वन फिर से देखो यहाँ पे ज़ीरो टेन नाइन टेन माइनस वन नाइन फिर ये ज़ीरो फिर यहाँ पे हमारे पास एक ज़ीरो डालना है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा नाइन्टी मतलब थर्टीन सिक्स हजार सेवेंटी एट थर्टीन सेवन हजार नाइन्टी वन नाइन्टी वन ज्यादा है तो हम लेंगे थर्टीन सिक्स हजार सेवेंटी एट माइनस करेंगे तो क्या आएगा टू और ये हो जाएगा वन ट्वेल्व ठीक है अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इसका आंसर आया फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट अप्रॉक्सीमेशन क्या आएगा देखो पॉइंट सिक्स पॉइंट फाइव से ज़्यादा है ना तो फिफ्टी सेवन के बाद का नंबर क्या होता है फिफ्टी एट तो इसका आंसर आ जाएगा फिफ्टी एट परसेंट लिख दो पीछे टेबल में यहाँ पे देख लो ये हमने कैलकुलेट किया 57.6 परसेंट जिसका अप्रोक्सीमेशन है 58 और परसेंटेज ऑफ टेम्प्रेरी आएगा 100 में से ये 58 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको मिलेगा ये 42 परसेंट दोनों सेम आ रहा है यार ये और ये है ना क्या फर्क पड़ता है सेम आ रहा है तो आ रहा है ऐसे मत मत सेम तो आ ही नहीं सकता है हंड्रेड परसेंट रॉन्ग है ऐसा नहीं होता आपने कैलकुलेट किया ना

फिफ्टी सिक्स परसेंट को अप्रॉक्सिमेट किया पे 39 और 20 या 100 एक टेबल में जाते नहीं है ठीक है 20 और हंड्रेड जाते हैं लेकिन दोनों ऊपर है तो कट नहीं कर सकते तो मल्टीप्लाई कर दिया ट्वेंटी इंटू आ जाएगा ये दो जीरो ट्वेंटी के साथ आ जाएंगे और नीचे आ जाएगा थर्टी फिर टू को थर्टी नाइन से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है देखो थर्टी नाइन का टेबल आपके लिए लिखा है टू हंड्रेड चाहिए कब आएगा थर्टी नाइन टू फाइव आ जाएगा वन नाइनटी फाइव पाँच ही कम है थर्टी नाइन सिक्स करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा तो हम थर्टी नाइन फाइव जार वन फाइव करेंगे सब ट्रैक करके पाँच आया ये जीरो नीचे लेके आए फिफ्टी थर्टी नाइन वन जार थर्टी नाइन होता है तो थर्टी नाइन वन जार थर्टी नाइन कर दिया फिर सब ट्रैक किया तो इलेवन आया फिर हमको डेसिमल पॉइंट डाल के एक जीरो डालना है हंड्रेड एंड टेन लाना है थर्टी नाइन थ्री वन वन सेवन होता है थर्टी नाइन टू सेवेंटी एट होता है तो मैंने लिया थर्टी नाइन टू एट माइनस करके थर्टी टू आया तो इसका आंसर आया फिफ्टी वन पॉइंट टू परसेंट अप्रोक्सिमेशन क्या आएगा डेसिमल के बाद देखो फाइव से छोटा नंबर है। तो फिफ्टी वन पॉइंट टू फिफ्टी वन परसेंट ही रहेगा तो इसका आंसर आ गया फिफ्टी सेवन परसेंट इसका आ गया फिफ्टी वन परसेंट ठीक है तो लिख दो पीछे टेबल में तो यहाँ पे मैंने फिफ्टी सिक्स पॉइंट सिक्स फिफ्टी सेवन आ जाएगा अप्रोक्सिमेशन फिफ्टी वन पॉइंट टू फिफ्टी वन आ जाएगा परसेंटेज ऑफ़ टेंपरेचर रोड कैसे निकालेंगे हंड्रेड में से फिफ्टी सेवन माइनस करेंगे तो आएगा फिर हंड्रेड तो 58, 42, 58, 42, के बार बना देंगे उसके ऊपर एक बार में दूसरे में भी फिफ्टी एट तीसरे में फिफ्टी सेवन चौथे में फिफ्टी वन जो बचा होगा वो ऑटोमेटिकली ये चार वैल्यूज दे देगा आपको ठीक है तो बनाओ जल्दी से एक बार ग्राफ जिसमें हंड्रेड हंड्रेड के चार बार होने चाहिए तो ये चार बार बना दिए हंड्रेड हंड्रेड के ठीक है सेंटीमीटर इक्वल टू क्या था वैल्यू देखो टू थाउजेंड टू थाउजेंड वन में परमानेंट रोड्स का था 58 तो हम लोग फिफ्टी एट परसेंट प्लॉट कर देंगे उसके ऊपर तो यहाँ पे देख लो टू थाउजेंड टू थाउजेंड वन इसमें फिफ्टी एट परसेंट फिफ्टी और सिक्सटी के बीच में वन सेंटीमीटर इक्वल टू टेन है मतलब वन टू थ्री एक लाइन वन होगा तो फिफ्टी के ऊपर फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट या फिर सिक्सटी के दो नीचे फिफ्टी एट परसेंट करना है ना तो सिक्सटी के दो नीचे आ जाएगा अपना फिफ्टी एट परसेंट ओके दूसरा वाला भी देख लो टेबल में टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड टू भी फिफ्टी एट परसेंट था वीडियो में पीछे जाके दिख जाएगा आपको तो उसके लिए भी मैंने यहीं पर लाइन बना दिया है नेक्स्ट क्या था नेक्स्ट था फिफ्टी सेवन परसेंट ना एक बार देख लो टेबल में पहला दो था 58, 58, तीसरा तो यहाँ पे तीन कम होना चाहिए तो सिक्सटी से तीन कम आ जाएगा यहाँ पे और चौथा वाला है फिफ्टी वन ये वाला जो है टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड फोर फिफ्टी वन फिफ्टी के एक ऊपर तो फिफ्टी के एक ऊपर हम लोग एक लाइन बना देंगे ओके अब ये वाले पार्ट को शेड कर देंगे ये अपना परमानेंट है और जो ऊपर बच गया वो वाला पार्ट हो जाएगा अपना टेम्प्ररी तो शेडिंग कर दो तो यहाँ पे देखो मैंने शेड कर दिया ये जो शेड किया है वो है अपना परमानेंट रोड्स देखो बॉक्स में शेडिंग वाला और जो ब्लैंक है वो है अपना टेम्प्ररी रोड ये ब्लैंक वाला पार्ट दिख रहा है ना ऊपर ये वाला फिर ये वाला एंड ये वाला ये ब्लैंक वाला, वाला, वाला जो है वो टेम्प्ररी रोड्स तो ऐसे करके अपना पूरा परसेंटेज बार डायग्राम आ जाएगा इसमें Easy है ना चार बार 100 का बना दिया फिर परसेंटेज अपलोड कर दिया इसमें मेन पार्ट क्या है मेन पार्ट है अपना ये कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन भी मैंने आपको डिटेल में फर्स्ट वाला सेकंड वाला फिर थर्ड एंड फोर्थ पूरा मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया लेकिन फिर भी आपको खुद से करना है एग्जाम में सब कुछ खुद से करना पड़ेगा ओके तो ये हमने बना लिया इसका कैलकुलेशन ये था इसका टेबल टेबल भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया कैसे कैलकुलेट किया एक एक वैल्यू बताया है आपको चलो कर लो कॉपी फटाफट से टेबल डन फिर ये कैलकुलेशन डन और ये उसका परसेंटेज बार डायग्राम डन तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें हमने दो बनाया एक हमने परसेंटेज बार डायग्राम बनाया एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाया डन तो आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन वन कराया जिसमें मैंने परसेंटेज बार डायग्राम बताया आपको एंड क्वेश्चन टू कराया जिसमें मैंने आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम बताया एंड परसेंटेज बार डायग्राम बताया प्लस मैंने टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल्स थे वो भी आपको समझा दिए हैं ऑलरेडी ठीक है ये एग्जाम्पल भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया समझा कि क्या होता है हर एक टाइप का ग्राफ एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट सेवन होता है यहाँ पे खत्म अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये चैप्टर समझ में आए और मेरी चैनल को सपोर्ट मिले अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आय के बाजू में एक लिंक आएगा उस पर क्लिक कीजिए आई के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे ज्योमेट्री के वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में ज्योमेट्री भी मिल जाएगा लाइन वाइज मैंने हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डाउट्स के अलग अलग लेक्चर्स लेकर आऊँ टेंथ स्टैंडर्ड के लेक्चर्स लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आपने कैलकुलेशन खुद से किया है तो भी आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि यू डिड द कैलकुलेशन ऑन योर ओन वो पढ़ के मुझे पता चलता है कि आप खुद से कर रहे हैं तो भी आपको आ रहा है मतलब जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की वो मेहनत कुछ काम आ रही है ओके चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो